थाना है, मिलाप चंद डांडिया की तरफ से पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस पर आदेश अब यहां पर कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने इस फैसले को इससे पहले सुरक्षित रख लिया था और 9 मई को इस पर फैसले को सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद अब इस पर फैसला दिया गया है और इसे गलत करार दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। महेश पारिक जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। महेश, क्या कुछ जो है आदेश में? देखिए, बताना चाहूँगा, जो मंत्रियों को संशोधन विधेयक अधिनियम था उसमें धारा 7BB और 11 धारा 11 जो थी उसमें संशोधन करके प्रावधान किया गया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने ताज जिंदगी यानी कि जीवन भर 9 जनों का स्टाफ और आवास सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, इसे मिलाप चंद डांडिया ने चुनौती दी थी। आज दोनों धाराओं को कोर्ट ने मनमाना और असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। जी महेश, हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से इस पीआईए को दाखिल किया गया था उसका किस जो असर क्या है वो अब नजर आएगा। देखिए, 2017 में जो संशोधन किया गया था उसमें सीधा प्रावधान किया गया था कि जो मुख्यमंत्री 5 साल की जो है कार्यकाल पूरा कर चुका है और इस अधिनियम से पहले जो जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं किया है उनको ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अब आज जब आज आदेश ये अधिनियम जो है वो क्वैश हो गया है तो जब जो सुविधाएं दी जा रही थी वो वापस ले ली जानी चाहिए। बताना चाहूँगा, केवल 2 मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे और साथ ही साथ जगन्नाथ पहाड़िया, इन्हें ये अधिनियम के तहत सुविधाएं दी जा रही थी, अब इन्हें वापस लिया जाएगा। जी महेश, इसके लिए कोई डेडलाइन भी कही गई है कोर्ट की तरफ से, जब आदेश दिया गया है कि कब तक इन सुविधाओं को वापस लेना है, या फिर किसी तरीके का स्टे अभी यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि अभी आगे का जो रास्ता है वो तय किया जा सकता है अगर कानूनी तौर पर समझने की कोशिश की जाए तो? देखिए, जो अधिनियम था, अधिनियम की जो दोनों प्रावधान थे दोनों धाराओं में जो संशोधन था उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में ये कोई जब किसी धारा को रद्द किया जाता है तो कोई डेडलाइन नहीं दी जाती कि वो भविष्य में रद्द माना जाएगा, वो आज आदेश हुआ है तो आज से ही जो है रद्द माना गया है। जी साथ ही क्या अभी इस पूरे मामले में कानूनी विकल्प क्या कुछ बचते हैं, क्या उन पर भी अभी गौर किया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट समान मामले में जो है वो आदेश दे चुका है पूर्व में है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देने का जो है मामला उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आवास को गलत माना था। अब राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ से भी ये मामला यहाँ से सरकार के खिलाफ गया है, तो अब सरकार के पास केवल एकमात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब पहले से ही मामला जो है तय हो चुका है तो अब ये बड़ा कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार को राहत मिल पाएगी। अभी तक इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से अपनी क्या कुछ दलील जो है वो महेश रखी गई थी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सरकार का ये कहना था कि केवल जो है राज्य सरकार ने जो ये उनका नीतिगत निर्णय है, और दूसरी बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो केवल आवास का ही जो है वहाँ मामला था, केवल आवास का ही जो गलत माना सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य सरकार के मुख्य तर्क था। ये भी समझना चाहेंगे महेश, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो पॉलिटिकल रिएक्शन है क्या वो आने शुरू हुए हैं अभी तक? सर, आज क्वेश्चन कर दिया है तो कुछ पॉलिटिकली क्या रहेगा, क्या रिएक्शन है? ये महेश, पहले भी ये याचिका लगी थी, मिलाप चंद डांडिया की तरफ से याचिका लगाई थी, हालांकि सरकार के पास अब ज़्यादा विकल्प नहीं दिख रहे हैं जैसा आपने बताया दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले में, उत्तर प्रदेश ने जो सरकार ने जो कानून बनाया था पूर्व मंत्रियों पूर्व मुख्यमंत्रियों को दर्जा देते हुए एक सरकारी आवास और जो सुविधाएं देने के लिए कानून बनाया था, उसी की तर्ज पर राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम जो था 1956 का, उसमें संशोधन करते हुए वसुंधरा राजे के कार्यकाल में एक बिल पास किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को जो 5 साल का टर्म पूरा कर चुका है उसको एक सरकारी आवास, 10 लोगों का स्टाफ और साल महीने के 20,000 रुपया सत्कार भत्ता और दूसरे खर्चे के लिए देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों की तब भी आलोचना हुई थी, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी में तब विधायक थे घनश्याम तिवाड़ी। एक बात ये आती थी कि वो वसुंधरा राजे से नाराज़ चल रहे हैं इसलिए ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उस मुद्दे को न्यायपालिका में लेकर गए मिलाप चंद डांडिया। और अब जो कोर्ट का आदेश आ गया है उसके बाद स्थिति यही बन रही है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, जिनके पास 13 नंबर का सरकारी बंगला है सिविल लाइन्स में, और एक जगन्नाथ पहाड़िया जो कांग्रेस के सरकार में मुख्यमंत्री रहे। इन 2 मुख्यमंत्रियों के पास पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सरकारी आवास हैं। अब पहली नज़र में तो ये लगता है कि दोनों को आवास खाली करने पड़ेंगे, हालांकि जब जब हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई वसुंधरा राजे के कार्यकाल में तब अशोक गहलोत विपक्ष में थे और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें भी सिविल लाइन्स में बंगला आवंटित था 39 नंबर का, और वो हमेशा
पत्र जारी करके सरकार को ये कहते थे कि सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अगर उन्हें आवास खाली करना है तो वो आवास खाली करने के लिए तैयार हैं, सरकार उन्हें इस बारे में निर्देश दे। और तब तब जीएडी ने उन्हें कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, उस मामले उस पर फैसला आने के बाद ही कोई दिशा निर्देश दिए जा सकेंगे। अब जबकि ये फैसला आ गया है तो संभव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सरकारी आवास में है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वसुंधरा राजे की तरफ से ऐसी कोई पहल की जा सकती है। हालांकि वसुंधरा राजे के लिए आवास होना या नहीं होना कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट पहले से इसको कर चुका है, तो न्यायपालिका में विकल्प अब सीमित हैं। न्यायपालिका में अब विकल्प की सीमा केवल यही है कि हाई कोर्ट के फैसले की सरकार को पालना करानी है, और इसके लिए संभवतः आने वाले कुछ दिन में सरकार की तरफ से जीएडी की तरफ से वसुंधरा राजे को एक नोटिस भेज दिया जाएगा, एक सूचना भेज दी जाएगी और उन्हें आवास खाली करने के लिए कहा जाएगा। और इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से जो दूसरी सुविधाएं, जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी को उनके सहयोग के लिए लगा रखा है, स्टाफ दे रखा है लिपिकीय संवर्ग का, वो सारा स्टाफ भी उनके यहाँ से हटाया जा सकता है। खास बात ये रहेगी कि अब वसुंधरा राजे का जो सरकारी बंगला है उस पर कई नेताओं की, जब वो विपक्ष में थे, कांग्रेस के ऐसे नेताओं की जब वो विपक्ष में थे तब वक्र दृष्टि रहती थी। कई नेता ऐसा कहते थे कि उनकी सरकार आई तो वसुंधरा राजे से ये आवास खाली कराएंगे। हालांकि सरकार ने कोई पहल नहीं की, लेकिन न्यायपालिका की पहल पर अब जब ये हो रहा है तो कई मंत्रियों की निगाहें उस बंगले पर रहेंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस आवास पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, खास सुविधाओं से युक्त आवास है, इसलिए कई मंत्री उस बंगले को लेना चाहेंगे। जैसे कि अपने साथी ने बताया कि जो है महेश ये भी जरा जो है शशि से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हम पिछली सरकार का, उन्होंने जिक्र किया कि पिछली सरकार में जिस दौरान मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, और जब सत्ता में आने की बात होती थी वर्तमान सरकार के मंत्रियों की तो वो इस तरीके की टिप्पणी किया करते थे। अब जो इस वक्त में स्थिति है जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि अपनी तरफ से कोई पहल यहाँ पर वसुंधरा राजे करें, या एक दूसरा चांस जो कहा जा रहा है कि एक मौका भी हो सकता है, क्योंकि कानूनी विकल्प अभी सीमित है लेकिन है अभी कानूनी, क्या उस रास्ते पर भी कोशिश हो सकती है जाने की? शशिमोहन जी, भी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ है, साथ ही साथ वसुंधरा राजे भी पहल कर सकती है, तो क्या लगता है सरकार का क्या कदम उठाना चाहिए, सरकार क्या कदम उठेगी? देखिए, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक विकल्प है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के एक मामले में ऐसा फैसला पहले ही दे चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब ये कानून बनाया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने का, सरकारी आवास और दूसरी सुविधाएं देने का कानून बनाया था, उसके थोड़े समय बाद ही राजस्थान में ये कानून बन गया था। उत्तर प्रदेश का मामला चैलेंज हो चुका है, इसलिए उस फैसले को नज़ीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट पहली तारीख में इस अपील को खारिज करेगा, अगर सरकार अपील में जाती है तो। खासतौर से ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार की मंशा क्या है, क्या सरकार जो वेतन संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, बिल पारित किया गया था, उसकी पालना कराना चाहती है राजस्थान में, क्या सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास देना चाहती है। ऐसी सूरत में संभावना इस बात की इसलिए नहीं लगती क्योंकि अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए पत्र लिख चुके हैं कि सरकार अगर उनसे आवास खाली कराना चाहती है, कोर्ट के आदेश की पालना कराना चाहती है, तो वो उसके लिए तैयार हैं, और सरकार की मंशा कोर्ट के आदेश की पालना कराने में ही रहेगी। खास तौर से आप देखिए कि महाधिवक्ता हैं, उनकी राय ली जाएगी, कानून के दूसरे जानकारों की राय ली जाएगी कि इस मामले में हायर कोर्ट में जा सकता है कि नहीं। आप लीगल मामलों को नज़दीक से कवर करते रहे, आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले की नज़ीर को देखते हुए पहली तारीख में ये मामला खारिज हो जाएगा, ऐसी सूरत में कोई औचित्य नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। लेकिन फिर भी सरकार न्याय पाने के लिए तो स्वतंत्र है, अगर जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन इसकी जो परिणति होगी वो सबके सामने होगी। लेकिन महेश, ये भी जाहिर है, शशि मुझे लगता है इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से एलिब्रेट कर सकते हैं कि एक एक उत्तर प्रदेश की अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री जो इस तरीके की कोशिश करते हैं, और वर्तमान में अगर हम राजस्थान का जिक्र करते हैं तो वहां पर उनकी पूर्व मुख्यमंत्री, तो कम से कम एक स्टैंड लेने की यहां पर कोशिश होगी बीजेपी की कि कम से कम एक पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स हमारी तरफ से जाए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त में? देखिए, यूपी की बात करें तो वहाँ पे जो है बीजेपी सरकार है, यहाँ पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार है, तो क्या मतलब एक पार्टी को लेके कोई स्टेप उठाया जा सकता है? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में इस फैसले पर पाबंदी लगाई गई थी तब अखिलेश यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते राजनाथ सिंह के पास में आवास था, कल्याण सिंह के पास में पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवास था, लेकिन वो आवास खाली कर दिए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राजनाथ सिंह खुद केंद्र में मंत्री थे, तब अच्छा भी नहीं लगता था, कोर्ट की अवमानना भी होती है, एक
नैतिक मैसेज भी सही नहीं जाता है अगर वो उसकी पालना नहीं करते, तो वहाँ से वो आवाज़ को खाली कर चुके हैं। बीजेपी की सरकार हो वहाँ पर या यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि न्यायपालिका देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका में है, और ऐसा कहीं लगता भी नहीं कि किसी पार्टी के समर्थन से, किसी पार्टी की राय से न्यायपालिका प्रभावित होती हुई दिखती है। ऐसी सूरत में इसे किसी सरकार से नहीं जोड़ा जा सकता, न्यायपालिका का फैसला है, तो उसे निष्पक्ष रूप में ही देखा जाना चाहिए। और अभी तक ऐसा लगता है, जिस तरीके से आप देखिए, घनश्याम तिवाड़ी पहले बीजेपी में थे, मुखर होकर के उन्होंने ये मुद्दा उठाया, इस बिल का विरोध किया, जब इस बिल पर बोलने की बारी आई तब भी उन्होंने, विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में है तब भी उन्होंने बिल के खिलाफ बोला, और अब वो कांग्रेस में है तो वो ये कोशिश करेंगे सरकार को इस बात के लिए कन्विंस करने की कि हाईकोर्ट के फैसले को जस की तस माना जाए। वो जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास आवास है, चाहे वसुंधरा राजे के पास हो चाहे जगन्नाथ पाड़िया के पास हो, दोनों आवास खाली कराए जाएं, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री इस सक्षम स्थिति में है कि उनके लिए आवास कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो एक अधिकारी उन्हें दिया जाता है, 10 लिपिकीय संवर्ग के स्टाफ दिया जाता है, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिए जाते हैं, एक सरकारी गाड़ी दी जाती है ड्राइवर के साथ, उसको पूरे देश में कहीं भी इस्तेमाल करने की छूट होती है, उनके परिवार को वो संसाधन इस्तेमाल करने की छूट होती है, इन सुविधाओं के ऊपर लगाम कसने की कोशिश हो सकती है, हो सकता है घनश्याम तिवाड़ी यानी जो है, हम ये कह सकते हैं कि अब देखना है कि रेस्पॉन्स किस तरीके का जो है आता है इस पर। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहाँ कोशिश कम से कम एक पॉजिटिव मैसेज देने की ही होगी, और एक पॉजिटिव मैसेज जो है कहीं ना कहीं सामने आए। अब देखना है इस पूरे फैसले को लेकर क्या आगे जो कानूनी विकल्प है क्या उनका भी